गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं वर्दी यानी कि कोट वोट लगा के मफसल निकल रहा हूँ, और कल का वीडियो अपलोड करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से खाने के लिए भी टाइम नहीं हुआ, रास्ते में कुछ खा लूँगा। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं, पहले मैं गाँव पहुँचता हूँ। आज सोच रहा हूँ चंदनेसर साइड जाने का, तो देखते हैं कहाँ तक जाता हूँ, क्या करता हूँ, सब अपलोड करते रहूँगा। रोज़ की तरह आज भी मैं गांव में हूँ, तो माल भी काफ़ी अच्छा मिला है, यानी कि आज सिर्फ पींच मिला है अभी तक। अभी 8 बजने के लिए जा रहा है और वीडियो में अभी पब्लिश कर दिया हूँ। आज थोड़ा लेट हुआ क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो था, तो देखते हैं आज मैं कितना बजे लौटता हूँ। और अभी मैं कुकुड़िया नाम का एक गाँव में हूँ, तो चलिए फिर आगे आप लोग से मिलता हूँ। टाइम अभी 11:20 हुआ है और मैं जस्ट गोडाउन पहुँचने वाला हूँ, तो ऊपर वाला की मर्जी से माल अच्छा मिला है, बहुत अच्छा तो नहीं, अच्छा मिला है। तो जो भी हो, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, ये तो होता ही रहता है हमारा साइड में, हमारा बिजनेस में। तो चलिए आगे फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। अभी मैं गोडाउन में दे के मच्छी लेके सीधा घर जाता हूँ। A few moments later, मैं बेटे के लिए यहाँ बाहर दही बड़ा लेने के लिए खड़ा था, तो इकबाल भाई जो बेंगल इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर है, उन्होंने मुझे देख के बुलाए। चलो कम से कम लोग पहचान रहे हैं, तो इतना मुझे खुशी हुआ कि इतना बड़ा दुकान के मालिक भी मुझे आज बुला रहे हैं। तो आप लोग का अगर प्यार रहा ऐसे ही, मतलब इससे बड़ा भी दुकानदार, इससे बड़ा भी शोरूम वाले कल उठेंगे, तो भाई मतलब इनका दुकान रानी से में पड़ता है। तो ठीक है भाई, मैं आता हूँ। तो घर आके मैं और एक खुशखबरी सुना, मेरे से मिलने के लिए 3-4 सब्सक्राइबर मेरे घर आए थे। जैसे मैं घर आया, आके चुन्नी का मुंह से सुना, वो बोल रही थी आपको मिलने के लिए 3-4 आदमी आए थे। चुन्नी ने बोल दिया है मफसल किया हूँ, शायद शाम को अगर आएंगे। भाई नाम तो बता के नहीं गए, जो भी हो अगर मिलना है तो आप शाम को आओ, मैं शाम को रहूँगा। और आप इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कितना बजे रहूँगा, आके मिल के जा सकते हो। तो बेटा अभी सोया हुआ है, मैं ड्रेस उतारता हूँ। ड्रेस से याद आया, मैं ये जो गंजी है गलती से पहन के चला गया था, क्योंकि 2-3 ही मेरा अच्छा टी शर्ट है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाऊँगा, लेकिन ये गलती से पहन के चला गया था। मैं थोड़ा सावधानी से काम करके आया हूँ, तो इसलिए गंदा नहीं हुआ है। तो अभी मैं ड्रेस व्रेस खोलता हूँ, बेटा जैसे सो के उठेगा फिर आप लोग को मैं दिखाऊंगा कितना बदमाशी करता है, क्या बदमाशी करता है, कैसा बदमाशी करता है। तो अभी मैं रहता हूँ, पहले खाना वाना खाता हूँ। 12:30 बज गया है, मेरा घर में एक घड़ी नहीं है, अगर एक घड़ी होता तो मैं बार बार आप लोग को टाइम दिखा देता, तो आप लोग को भी भरोसा हो जाता। अभी मैं एक काम करता हूँ, बेटा तो सोया है, उठा नहीं। चुन्नी दूसरे के घर में लकड़ी भरने के लिए गई है, तो वो जब तक लकड़ी भर के लेके आएगी, मैं यहाँ पे अपना जो हिसाब है वो लगा लेता हूँ, वरना बेटा उठ जाएगा तो आप लोग जानते हैं कहानी ख़त्म, रात को करना पड़ेगा। तो बेटा सोया है, सोने दो, और ये फ़ोन को मैं चार्ज में डालता हूँ, मैं अपना काम में लग जाता हूँ। टेंगो आ पापा चल जाओ, अम्मी पढ़ती ने बाबा, अम्मी अल्लाह पढ़ती ने, जाऊ नी जाऊ नी जाऊ नी माँ पापलू ये तो कौन गो हाँ चला। तो बेटा को लेके मैं जरा खेल रहा था, उसकी अम्मी अभी पढ़ाई कर रही है, अभी थोड़े देर में ट्यूशन जाएगी, तो वहाँ अगर पढ़ाई करके नहीं लेके जाएगी तो समझ पा रहे होंगे, वजह से मैं उसको लेके खेल रहा हूँ, वरना वो परेशान कर देगा, पढ़ाई नहीं देगा। कुआते 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 भागो काट खागी दीदी बच्चा खाती है, क्या खाती है दीदी बच्चा, बालू खाती है। अभी मैं जा रहा हूँ कालाईहाट, क्योंकि वो जो चार्जिंग का बोर्ड होता है, तो आप लोग अगर टेक्निकली समझ पा रहे होंगे, जो चार्जर है उसका अंदर जो बोर्ड रहता है, उस दिन जब मैं लूहा लेके आया था उन्हीं के घर में है, तो अभी वो मैं लाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक गलती मैं कर दिया हूँ, मुझे कोट और कैप पहन के आना चाहिए, वो डाल के मैं आया नहीं, तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो और एक साउंड हो रहा है पीछे, देख पा रहे होंगे, सुबह जब मैं ये रोड बांधा था, बराबर से बांधा नहीं, तो जल्दबाजी में बांध के लेके चला गया था,
वो अभी ढीला होके दोनों टच हो गया, इसलिए खड़ 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 साउंड हो रहा है। मुझे आज रात को जाके इसको बांधना है ताकि कल सुबह मुझे मफसल भी जाना है। तो बात यह है कि हाथ मेरा थोड़ा दर्द हो रहा है जो वैक्सीन लिया था, लेकिन आज फिर भी मैं मफसल गया। अगर कल सुबह ऐसे ही रहा तो मैं जाऊंगा, अगर ज़्यादा दर्द होगा तो फिर नहीं जाऊंगा। तो मालब ले लिया हूँ, काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि वो सब बांस के लेना पड़ता है, छोटा छोटा प्लास्टिक का सामान होता है उसमें कुछ रबर वगैरह होता है, वो सबको निकाल के लेके जाना पड़ता है। तो अभी मैं निकलता हूँ सीधा घर के लिए, पता नहीं बेटा सो गया होगा शायद। रास्ते में कौन मिला, पहचान पा रहे हैं? नहीं पहचाने होंगे। A few moments later. हम लोग अभी बहुत सारे बात किए, चैनल से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, उसका चैनल से रिलेटेड, उसका मतलब बहुत सारा बात किए हैं। तो वो तो अभी कैमरे के सामने बोलना भी पॉसिबल नहीं। पुपुन आता हूँ भाई। चलो चलो, मेरा पापू क्या लाइन है? मुसला मुड़ी। तो अभी टाइम करीब 9:30 बजने के लिए जा रहा है और हम लोग अभी सोने के लिए जा रहे हैं। तो माइक बहुत तेज बज रहा है, बहुत देर से मैं वेट कर रहा था वीडियो को एंड करने के लिए लेकिन हो नहीं पाया। अभी अगर माइक का साउंड आ रहा होगा तो गाना का कॉपीराइट इशू हो सकता है। जो भी हो, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू।